मेरठ में एक बार फिर माँ बेटी के रिश्ते तार तार हुए। एक दबंग महिला जिसका नाम सीमा है और जो अपनी सगी बेटी राधा से चंद पैसों के खातिर जबरन धंधा कराती थी और भाई भी जबरन बहन के साथ बलात्कार करता था। राधा जब विरोध करती थी तो माँ और भाई दोनों उसे उसके 5 साल के बेटे को मारने की धमकी देते थे। दरअसल मामला मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के जागृति विहार का है, जहां एक दबंग महिला कई लड़कियों को अपने पास रखती है और उनसे धंधा कराती है और अमीर लोगों को वे लड़कियां अपने जाल में फंसाती हैं और उनसे मोटी रकम वसूलती हैं। जब इन सब का विरोध बेटी राधा करती थी तो मां ने अपनी सगी बेटी से भी जबरन धंधा कराना शुरू कर दिया। बेटी राधा मुश्किल से उनके चंगुल से निकलकर थाने में रिपोर्ट कराने पहुंची तो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आज महिला एसपी ऑफिस पहुंचकर एसएसपी को अपनी फरियाद सुनाई और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। यानी कि मेडिकल थाने भी जा चुकी हूं, मैं सर के चक्कर भी लगा रही हूं, यानी मेरी को सुनी नहीं रहा। किसने रेप किया और क्या वारदात हुई? एक ये है गोविंद मोहन शर्मा, उनका भाई अंकित मोहन शर्मा, अर्जुन और सूरज और भी कई लोग हैं, यानी कि कई हैं जाने। यानी कि मुझे जब पता चला ना इनके बारे में, ये ना मुझे नींद की टैबलेट देने के बाद में तब मेरे साथ रेप किया करते थे। वो तो एक दिन मेरी अचानक से आँख खुल गई, मैंने इनका देख लिया। ये रेप करने वाले लोग कौन हैं? ये एक तो गोविंद मोहन शर्मा जी हैं और एक अंकित है, उन्हीं का भाई एक अर्जुन है, एक वो अर्जुन है और सूरज है और भी दो तीन लोग थे जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ। मेरा केस चल रहा था उनके, मैं आपको मेरे केस चल रहा था सिविल लाइन थाने, उसमें सिविल लाइन कैरी यहाँ पे चल रहा है कोर्ट में, विनी चपराना वाला केस, उसके थ्रू मिली थी मैं इनसे, तो इन्होंने उस चीज़ का फायदा उठाया। क्या केस चल रहा था? वही मेरे एक लड़का था, मैं शादी करनी चाहती थी उससे, तो उसने भी इनकी तरीके से ही बदतमीजी करी थी मेरे साथ में। रेप का ही मुकदमा चल रहा? हाँ जी, रेप का ही। अच्छा। तो और जो मेरा भाई है इस पर 14 मुकदमे चल रहे हैं गैंगस्टर समेत। तो भाई का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? उसने भी रेप कर रखा। सगा भाई, सगा भाई है मेरा। और जो मेरी मम्मी है वो भी देह व्यापार का काम कराती है, अपनी लड़कियों से फर्जी मुकदमे लगवाती है। दो लड़कियों से बल्कि लगवा भी चुकी हैं, एक ने 2 केस कर रखे हैं रेप के और एक ने एक कर रखा है। बहनों से? हाँ जी। भाई का नाम क्या है? अर्जुन। अब आप किसी अधिकारी से मिले हो? मैं सर इनसे मिलने के लिए आई थी, क्या बोलते हैं एसएसपी साहब से। एसएसपी साहब आज मिले नहीं है। कोई और अधिकारी मिला आपको? कोई नहीं मिला, आज बोले क्या छुट्टी है। थाने में सूचना दे रखी है? मैंने मेडिकल थाने में सूचना दे रखी है, मैं गई भी हूँ कई बार, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। एसओ साहब के उन्होंने मेरा मुकदमा ही चढ़ाया।